दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म एवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में नैऋत्य कोण के दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर केवल विश्लेषण करने जा रहे हैं। नैऋत्य कोण है क्या? नैऋत्य कोण आपके जीवन में सफलता देने वाला कोण है। नैऋत्य कोण आपके जीवन में स्थिरता देने वाला कोण है। नैऋत्य कोण आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला है। नैऋत्य कोण आपके जीवन में अपार धन देने वाला क्षेत्र है। आपके जीवन में रिलेशन को मजबूत करने वाला क्षेत्र है। आपके पैसा को सेविंग करने वाला क्षेत्र है। आप आरोग्य रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, नैऋत्य कोण ये क्षेत्र है। हम आते हैं नैऋत्य कोण में वास्तु दोष किस कारण से उत्पन्न हो जाता है। जब भी हम मकान बनाते हैं तो वास्तु पुरुष को ध्यान में रख करके मकान अगर बनाते हैं तो जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का भरमार रहता है। लेकिन किसी कारण से हम वास्तु दोष को उत्पन्न कर लेते हैं, निर्माण से, कलर से, या कोई ऐसी वस्तु रखी हुई है जिसके द्वारा, तो नैऋत्य कोण डिस्टर्ब होता है तो मुखिया की स्थिरता खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य खत्म हो जाता है, रिलेशन खत्म हो जाता है, समस्याएं अधिक आ जाती है और एक्सीडेंटल स्थिति बनता है, भयावह रोग होने की संभावना बनता है। कैसे हम इससे बच सकते हैं? नैऋत्य कोण राहु का क्षेत्र है, पितृ का क्षेत्र है, तो राहु और पितृ को अगर आपने बना लिया, संभाल के रखा, तो आपको नैऋत्य कोण बहुत धन दे सकता है। अब राहु जो है आपके जीवन में क्या क्या लाता है? बुरे लत लाएंगे आपका जो है सो जीवन खराब कर देगा। कई प्रकार के अचानक आने वाली समस्याएं आपको आ जाएगा, कोर्ट कचहरी केस में उलझ सकते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार के रिलेशन को तोड़ सकता है और आप अकेला पड़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि राहु को हम कैसे व्यवस्थित कर सके। राहु व्यवस्थित करने के लिए सबसे जरूरी है कि कहीं पर गंदगी आपका नहीं हो, कहीं पर आपका गलत जगह पर टॉयलेट नहीं हो, कहीं पर आपका राहु का कलर उल्टा पुल्टा नहीं किया हो, या राहु अर्थात आपके जीवन में जो लत के द्वारा, चाहे बुरे लोगों के साथ या बुरे वस्तुओं के साथ आप लत में आ गए हैं, तो ये ना करें, सावधान हो जाएं, तो जीवन में राहु अच्छा फल देगा। ये पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है जिसका कलर पीला है। अगर यहाँ हम एंटी कलर अर्थात जो एंटी तत्व है उसका कलर यहाँ कर लेंगे तो राहु डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर नीला कलर, ब्लैक कलर या रेड कलर भी करते हैं तो राहु डिस्टर्ब हो जाता है। या आपके जीवन में पितृ का सहयोग नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो ये मुख्य कारण होता है कि नैऋत्य कोण आपका दूषित है। तो पितृ को मनाए, पितृ अमावस्या के दिन या जो पितृ पक्ष आता है उसमें पितृ तर्पण जरूर करें। उज्जैन राम घाट में जाकर के पितृ का जो है पिंडदान करें। नागबलि या आप जो है सो त्रिमकेश्वर नासिक में जाकर के पूजन करवाएं तो पितृ दोष से मुक्ति हो सकती है। पितृ दोष मुक्त होता है तो पितृ का आशीर्वाद मिलता है। पितृ वो है जो इनके वंशज आप हैं, जो मर चुके हैं और आप उनके प्रेजेंट में वंशज पृथ्वी पर हैं, तो पितृ की आशा रहता है कि हमारा ये पितृ पूजन करे, पितृ दान करे, गरीबों को खिलाए, कौवे कुत्ते को खिलाए, या मुझे पितृ पक्ष में तर्पण दे। इतना सारा करते हैं तो पितृ दोष आपका समाप्त होगा और आपके जीवन में राहु बहुत अच्छे पोजीशन में आएगा और आप जो है सो जीवन में काफी लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होने दें, अर्थात यहाँ का ढाल जो है सो पश्चिम से पूर्व की तरफ हो, दक्षिण से उत्तर की तरफ हो। दूसरी बात, ये कोण कटा या बढ़ा हुआ नहीं हो,
यहाँ पर पानी जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बोरिंग इत्यादि नहीं हो, यहाँ पर किसी प्रकार का डस्टबिन इत्यादि रखा हुआ नहीं हो, क्योंकि अगर आप ऐसा रखते हैं तो पितृदोष खराब हो जाता है, पितृदोष आ जाता है, राहु खराब हो जाता है। तो ये सारे चीज से बच करके आप करते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत की, आपके जीवन में वैभव की कमी नहीं होगी। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो जीवन में या बर्थ चार्ट में आपको राहु सही हो जाता है और फिर राहु की दशा महादशा में आपको काफ़ी धन लाभ मिलता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग या ये कहें कि बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं उनको राहु का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि जिसके चार्ट में बर्थ चार्ट में चार अंक नहीं है वह चार अंक को लाने की कोशिश करें, अर्थात बर्थ चार्ट में लोसु ग्रेड में आपका चार अंक जो है काफ़ी आपको लाभ दे सकता है। तो क्या करें, चार अंक लिख करके रुमाल में अपने साथ रखें तो काफ़ी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये वीडियो में जो चीज़ हम बता रहे हैं, अब करना क्या है, कहीं भी किचन में आपका धुआं जैसा परत ना हो, राहु खराब होता है। सीढ़ी पर या टॉयलेट में गंदगी धूल जमा हुआ नहीं हो, राहु खराब होता है। आप कहीं उल्टे जगह पर डस्टबिन रख देते हैं, राहु खराब होता है। आप कभी भी जीवन में ऐसे गरीब लोगों को सताते हैं, राहु खराब होता है। लत आपका मांसाहार या शराब इत्यादि में चला जाता है तो राहु खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में आप राहु को दुरुस्त कर सकते हैं, अच्छा उनका सेवा करके, तो आपको जीवन में धन ही धन मिलेगा। नैऋत्य कोण का ये दोष आप समाप्त करें, जैसे टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो मेरी वीडियो में जा करके देखें, इसका उपचार मिल जाएगा। मेन गेट है तो आप वीडियो में जा करके देखें, उपचार मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का कटा छटा है तो वीडियो में जा करके देखें, उपचार मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई आप चाहते हैं कि यह दोष है और आप वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके करें, हम उसका उपचार बताएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।